ये एक ग्रुप फोटो जो गोद भराई की रस्म पूरी हो रही है उसके साथ में हमारे गणमान्य अतिथि जो दूर दूर से आए हैं, हम इन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये हमारे भाभी जी ये अतिथि जो रखावली से आई है, और ये डॉक्टर साहब साथ में हमारी अंकित की मदर, ये कृतिका जी, ये मिसेस सुरेंद्र, ये विजय बलसाड़ से, बहुत दूर से आने वाले में सबसे पहला आपका नाम, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ममता बार बार ये अपने YouTube चैनल के लिए एक ब्लॉगर करना है। ये मास्तु तारा नहीं, मास्तु तारो, ये हमारे ब्रदर की सिस्टर है, ब्रदर की डॉटर, हमारे ब्रदर की डॉटर। और ये सभी बहुत खुशी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा के भाई गोद भराई की रस्म को इन्होंने पूरा कर दिया है। मैं डॉक्टर साहब से एक बार, डॉक्टर साहब ये गोद भराई की रस्म मतलब क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे? ये जब शादी होती है उससे पहली रस्म होती है, इसमें अंगूठी का आदान प्रदान किया जाता है। आज से ही हो जाता है कि ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के हो गए कुछ कुछ। अच्छा, इन्होंने एक वैसे रिंग सेरेमनी का मैंने जहाँ तक पढ़ा था उसमें था कि लव एंड कमिटमेंट, इन दोनों का एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन होता है, कि इन्होंने ऐसा आपस में सोचा है। हाँ, ऐसा इन्होंने पहले सोचा कि हम दोनों प्यार को बरकरार रखेंगे और साथ में कमिटमेंट जो भी एक दूसरे की रहेगी उसको भी पूरा करेंगे। और ये कृतिका जी ने कुछ साड़ियाँ जो गोद भराई का सामान है वो अपनी मम्मी को समर्पित करते हुए, कृतिका थोड़ा चुन्नी पीछे करो, बासीदा देखो। आज खैर ऐसा एक वक्त होता है कि यहाँ पर कुछ सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, कुछ न्यू इनकमर भी हैं, और वो अपनी जिनकी रिंग सेरेमनी है वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर पुराने हैं वो भी अपने ख्वाब कहीं देख रहे हैं। चलो, मैं तो ऐसी कमेंट्री हमेशा खुश होके एक यादगार बनाए रखने के लिए कमेंट्री की जाती है। और ये अंकित जी हैं, रिंग सेरेमनी अभी होने में कुछ ही वक्त बाकी है, इन्होंने अपने आप को लगता है समर्पित कर दिया और ये बड़े खुश हो गए रिंग सेरेमनी का इंतजार कर रहे हैं। ये अंकित जी, आप जो है वो रिंग सेरेमनी में कुछ ही वक्त बाकी, आप पानी बार बार पी रहे हैं? नहीं, ये प्यास लग रही है, खा लिया ना ज्यादा इसलिए। नहीं, प्यास तो ठीक है, पर पानी बार बार पी रहे हैं का मतलब है गला सूख रहा है। प्यास खाना इतना खाया है तो प्यास लगेगी ना, तो पानी ना पीना पड़ेगा। ऐसे तो रिश्ते में ये हमारे सुपुत्र रखते हैं, सुपुत्र है। हाँ देखो, हमें सभी ने बड़ा करेक्ट किया कि हमारे सुपुत्र है, और इनके उसमें रिंग सेरेमनी में आज ये कोरोना जो है उसने मास्क लगा के जो हमारे चेहरे छुपाए हुए हैं, बट चेहरों के अंदर जो गहराई, उसके अंदर जो पहचान जब पता लगती है तो दिल छू जाता है, उनके आदर करने के लिए, रेस्पेक्ट करने के लिए। और मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें पता लगा कि आप चाचा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो रोल निभा रहे हैं वो रोल आपका शौक हो सकता है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। आप इसी तरह से हमारे बीच दिखाई देते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आप यहाँ आए, आप भी दोनों को, बच्चों को
सो अपनी तरफ से शुभकामनाएं दें। थैंक यू सो मच। मास्क हटा दें सर, मास्क रहने दो, मास्क लगाना पड़ता है। ऐसे बोलो क्या बोलवा रहे हो आप? बोलो दोनों को, कृतिका और दोनों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कृतिका और अंकित के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। आप यहाँ हमारे फंक्शन में शरीक हुए हैं, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे कि जो कैमरा है आपके हाथ में वो अंकित की तरफ से है या आप? कृतिका की तरफ। आपका ये जो हाँ क्या बोलते हैं इसको, चलो आप शुभकामनाएं दे दो। शुभकामनाएं क्या बोलूं? पर एक बार मास्क हटा के दिखा दो। बोलो हमारी तरफ से शुभकामनाएं कांग्रेस। हमारी तरफ से दोनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आप दोनों के लिए माई सेल्फ विपिन माथुर, आई एम विद कमल राजपूत एंड बैट बोथ ऑफ यू कृतिका एंड अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिंग सेरेमनी। भावना बेटे कैसी भी हो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, संस्कृत में बोलो, भावना जो दिल के उद्गार हैं वो दोनों को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने दोनों को वेल विशेस दिया। ये हमारे पड़ोसी, यहाँ पर आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, चलो हमारे आते हुए डर रहे थे मैं कहीं वर्मा जी को परेशान ना कर दे पुलिस वाले गेस्ट। ऐसा है कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी डन पॉजिटिव। पर कोरोना ने ये सब चीज़ों को अलग धुतकार दिया है उसमें जो। चलो एनीवे अभी अंकित की सेरेमनी है, आप उनको आशीर्वाद दें। इसीलिए आए जी, बधाइयां आपको, बहुत सारा आशीर्वाद को, बहुत बहुत धन्यवाद। सेरेमनी का फंक्शन कुछ ही मिनट में होने वाला है। दुल्हन अपने मन के अंदर बहुत सारे सपने जो किसी को बता नहीं सकती, बट सजोए हुए। अंकित भी, वो भी अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हर एक के विचार होते हैं, अरमान होते हैं, वो अरमान आज इनके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ही वक्त बाकी है जिसमें ये अपनी रिंग सेरेमनी की रस्म को पूरा करेंगे। और रिंग सेरेमनी, प्रैक्टिकली इसका नाम रिंग सेरेमनी है। अभी रिंग आ चुकी है, ये मैं आपको रिंग का वीडियो दिखाता हूँ। अरे इसको रोटेट करके देखो, बटन दबा। नाम है रिंग सेरेमनी। इससे पहले के ये दोनों एक दूसरे के हाथ में पहना है, वो खुद ही इकट्ठी हो चुकी हैं। ये रिंग जो है वो आपस में दोनों इकट्ठी हो चुकी है। रिंग ऑल टाइम फेवरेट। सो ये रिंग बहुत अच्छा वीडियो रोटेट करती हुई, रिंग ऐसे रोटेट कर रही है जैसे एक दूसरे के दिल में से होके निकल रही है। ये कह रही है कि भाई हम दोनों जिनकी उंगली में पड़ जाएंगे वो दो जान जरूर होंगे पर एक जान जैसे नजर आएंगे। तो ये रिंग लगता तो ऐसे ही है कि दोनों एक दूसरे में। तो मेरी शुभकामनाएं जैसे रिंग आपस में एक्टिंग करके हमें जता रही है कि दो जान एक शख्स हैं हम। कुछ ही वक्त बाकी और रिंग सेरेमनी अंकित ने कृतिका के डाल दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।